प्राइम टीवी है हम। सरपंच प्रत्याशी उम्मीदवार निर्वाचन क्षेत्र संख्या 9 से निजामुद्दीन ग्राम सभा लालगंज वार्ड नंबर 5 प्रखंड पूर्णिया जिला पूर्णिया पंचायत के सुयोग्य नेक शिक्षित कर्मठ ईमानदार संघर्षशील और कर्मशील युवा उम्मीदवार निजामुद्दीन के चुनाव चिन्ह नल छाप पर बटन दबाकर अपार मतों से निजामुद्दीन को विजयी बनाए। निजामुद्दीन जी का कहना है कि मैं इसलिए सरपंच पद का चुनाव लड़ रहा हूं कि मेरा चुनाव लड़ने की प्राथमिकता उद्देश्य समाज सेवा तथा पंचायत में मारपीट दंगा फसाद जमीन जगह का विवाद जो भी समस्याएं हैं मैं बैठकर ग्राम कचहरी में पंचायत द्वारा उचित फैसला करेंगे और मैं चाहता हूं कि एक बार चुनाव आयोग मुझे लड़ने का मौका अवश्य दे। मैं मानवता के आधार पर सभी को न्याय दिलाऊंगा। हर समय सुख और दुख में साथ रहकर विशेष ध्यान रखूंगा। सिर्फ एक बार निर्वाचन क्षेत्र संख्या 9 से समस्त वासियों से अपील है कि मुझे जीत का आशीर्वाद दें। निर्वाचन संख्या 9 के सभी वासियों को दीपावली और छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। केंद्र बनाया जाए पेटिशन वगैरह दिए जी सर पेटिशन की दरखास्त एक बार लगाए थे पब्लिक पेटिशन भी लगा है और एक बार सांसद के यहाँ भी हम पब्लिक पेटिशन दिए हैं। सांसद महोदय से बोले कि हमारे पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए जो गरीब गुरुआ का जो इलाज आसान से घर बैठे इलाज हो जाए परेशानी से बच जाए दूर दराज आने में पैसा खर्च होता परेशानी होती है। सांसद जी ये सांसद संतोष कुशवाहा मतलब एक्शन नहीं लिया इसको? नहीं एक्शन लिए बोले कि हो जाएगा बहुत जल्दी हो जाएगा ऑर्डर हो गया आप जमीन का उपलब्ध कराइए। इस बार सरपंच साहब आपको मालूम है सारा भार मतलब स्कूल का भार डीलरों का भार और मुखिया जो गली नली का जो काम कर रहे हैं ये सरपंच के निगरानी में दिए हैं। जी सर हमको मीडिया के माध्यम और क्या न्यूज के माध्यम और पेपर के माध्यम मुझे मालूम हुई है कि सरकार ने सरपंच को बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। और सरपंच साहब इस बार जो है ना मतलब सरपंच जो भी है उसका सैलरी भी 10,000 से ऊपर किया है घोषणा किया है सरकार और आपको ग्राम कचहरी लगाने का भी मतलब आपको स्टेटमेंट। जी सर ऐसा सरकार का आदेश है तो उसमें कोई थ्रू रोक सोक कर सकते हैं। सरकार का आदेश का पालन करेंगे हम लोग उस पर अमल करेंगे। क्या मतलब कोई भी आपके पंचायत में समस्या हो जाते हैं जैसे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार के मुद्दे में ये कह रहे हैं कि सर हम लोग सोच रहे हैं कि अगर हम कुछ जनता ने सेवा करने के मामला मौका दिया तो किसी प्रकार के भी मामला हो हम पंचायत में ही निदान करेंगे। ग्राम कचहरी में ज्यादातर देखा जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर ज्यादा से ज्यादा केस आते हैं। जी सर तो आप सरपंच के जो होता है ग्रामीण स्थान जो होता है तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम पंचायत में ही रहकर उसको निदान करेंगे। वो ग्राम कचहरी का जो मामला में जमीन का मामला आएगा उसको ग्राम कचहरी के जरिए हम अधिकतर कोशिश करेंगे उसको निदान करने के लिए। प्राइम टीवी के माध्यम से आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मुझे एक बार सेवा करने का मौका दें जो हम जनता का सेवा करें। बिना पद में रहते हुए हम सेवा किए हैं और सेवा करते रहे। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद निजामुद्दीन हुआ घर लालगंज पोस्ट लालगंज पंचायत लालगंज जिला पूर्णिया प्रखंड पूर्णिया। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक।